इन दिनों शहर में कई गुंडों के द्वारा खाली पड़े या अधूरे पड़े प्लॉट पर नाजायज कब्जा कर लेने या भू स्वामियों को परेशान कर उनसे वसूली करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे गुंडों को प्रोत्साहन तब मिलता है जब पुलिस इस तरह के मामलों में लापरवाही करते हुए पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। ऐसा ही एक मामला ओरछा रोड थाना क्षेत्र के सेंट्रल स्कूल के पीछे से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक विश्वनाथ कॉलोनी में रहने वाले द्वारका प्रसाद साहू ने बताया कि वर्ष 2012 में उन्होंने सेंट्रल स्कूल के पीछे सौरा रोड के समीप 4000 वर्ग फीट का एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर हाल ही में वे बाउंड्री बना रहे थे। 1 मई 2023 को उन्होंने इस प्लॉट पर 60 फीट लंबी बाउंड्री का काम खत्म किया और घर चले गए। रात करीब 10:30 बजे पास में लगे एक सीसीटीवी वीडियो में नजर आ रहा है कि पल्सर से आया एक युवक अपने दो साथियों के साथ इस प्लॉट की बाउंड्री और दरवाजों को तोड़ देता है। आरोपी अपने साथ धारदार हथियार भी लिए थे। घटना को अंजाम देने के बाद वे मौके से फरार हो गए। इस घटना के एक सीसीटीवी वीडियो और लिखित में शिकायत लेकर द्वारका प्रसाद साहू ने ओरछा रोड थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, लेकिन थाना पुलिस ने पहले तो राजस्व का विवाद बताकर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और इसके बाद इस मामले में असंज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज कर फरियादी द्वारका प्रसाद साहू को सक्षम न्यायालय में जाने की नसीहत दे दी। इस घटना में प्राप्त वीडियो साफ तौर पर अपराध की पुष्टि कर रहा है, लेकिन पुलिस इन अज्ञात गुंडों को खोजने और उन पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय फरियादी को ही गुमराह करने में जुटी है।